हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल में स्वागत है। अभी 3:30 का टाइम हो रहा है और सिवाय को लगी है भूख, तो ये मैं चीकू काट के उनको दे रही हूँ, बच्चों को। तीनों बच्चे खाएंगे। और ये बाल सुबह मैंने आज धुले थे तो कंघी नहीं हुई थी। अभी शाम के बज रहे हैं 3:30 और यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुहावना है और ऐसे लग रहा है शाम के 6-7 बज चुके हैं। ऐसे बादल हो रहे हैं और बारिश हो रहे हैं एकदम। आपको आवाज़ आ रही होगी ना, हमारी बालकोनी में लगा है ना ऊपर ग्रिल, उसके ऊपर फट फट पानी गिर रहा है ना, तो उसकी आवाज़ें आ रही। और इधर कबूतर बैठे थे, एसी का जो ये कैबिनेट लगा हुआ है आउटडोर केबिन, उसके ऊपर बैठे हुए थे। और मैं आई जैसे ही तो तुरंत भागे जटाक से, तो सारे अभी मेरे देखे कपड़े वगैरह सब पड़े हैं, तो मैं जस्ट उठा लेती हूँ। और आज ना मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही है, कैमरा थोड़ा हिल रहा हाथ में ली हूँ, मेरे हाथ थोड़े कपते हैं ना, माइंड मत करिएगा। तो वही मैं बता रही थी, आज ना मेरी सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं। आज सुबह की चाय वाय सब काव्या ने मुझे बना के दी है और इतनी ज़्यादा मीठी बना के दी कि अच्छी ही नहीं लग रही थी। लेकिन जाने दें, इमरजेंसी में बच्चे ही तो काम आएंगे और कौन काम आएगा। इतना ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और पैर कप रहे हैं और शरीर थोड़ा सा गरम गरम लग रहा, हो सकता फीवर ईवर का लग रहा हो कुछ आसार। वैसे दवा तो मैंने ले ली है, आराम मिल जाएगा जल्दी। और शाम होते होते फिर वही कि मतलब जी नहीं माना, मैंने कहा नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर दो। जब कोई काम करने लगो ना तो उसकी आदत सी हो जाती है, आप लोगों से बात किए बिना हमारा जी नहीं मानता। फिर शाम आते आते मैंने कहा चलो भाई लगाओ लिपस्टिक है ना, तो ठीक है। ऐसे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं थोड़ा सा फिर उठी, मैंने कहा थोड़ा सा जैसे हाथ मुँह धुल लो ना, थोड़ा सा फ्रेश फील होने लग जाता है, थोड़ा सा मेकओवर कर लो अपना। तो अगर तबीयत ख़राब भी है ना तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगने लग जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं उठी हूँ बस थोड़ा सा, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा चाय वाय बनाऊँ, चाय वाय पीऊँ तो अच्छा लगे। तो मैंने कहा जाने दो, साथ में कैमरा भी स्टार्ट कर दूँ। भाई आप क्यों मिस करें हमारी सारी एक्टिविटीज़ को, आप भी इंजॉय करिए, है कि नहीं। तो चलिए अभी मैं कपड़े उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी हल्की शाम वाली भूख होती है ना, वो लगी हुई है। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपने यहाँ का मौसम है ना अभी जस्ट। तो आपने देखा ही कितनी रिमझिम रिमझिम बारिश हो ही रही और पूरे दिन मतलब लगभग बादल ही रहे ऐसे। तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा हो रहा था और पंखे में भी ठंड लग रही थी। और अपने उधर यूपी साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इधर का मौसम अच्छा रहता है। अभी 2-3 नंबर पे भी ठंडी लगती है। तो मैं सारे कपड़े उठा के और इनको घरी करके, मेरी आदत है कि मैं तुरंत का तुरंत घरी कर देती हूँ। कभी कभी ये है कि आलस हो जाता है तो भले रख दूँ दूसरे दिन करूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मतलब इनको तुरंत का तुरंत यहीं पर मैं खड़े खड़े ही कर लेती हूँ और काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। और अगर आप एक दिन पेंडिंग छोड़ दो ना तो फिर दूसरे दिन के लिए और ज़्यादा बोझ होता है, फिर अगले तीसरे दिन के लिए भी इसी तरह मतलब चलता रहता है। तो इस वजह से अच्छा ये रहता है कि तुरंत का तुरंत कर दो। और ये कुछ कपड़े ना इसमें सूखे ही नहीं है, मतलब अभी भी गीले हैं, तो उनको मैं इस तरह से अंदर की तरफ डाल दूंगी तो अंदर की तरफ पानी वानी नहीं आता, हो जाता है आराम से, सूख जाते हैं। और ये देखिए हमारी चाय भी बन चुकी है। और आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पीने। आज चाय थोड़ा सा जल्दी बनाई गई है, अभी 4 ही बज रहा है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा चाय वाय पीऊँ थोड़ा सा ठीक लगे। और यहाँ पर मैं केले काट रही हूँ, कच्चे केले होते ना, आज मैं उसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। और मेरे यहाँ कहीं आप देख रहे हैं मखाने, क्योंकि ये जैसे व्रत वगैरह रहो ना तो यूज में आ जाता है, और बाकी कभी जैसे पूरे महीने में खीर वगैरह बनी तो अपना उसमें आराम से डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जरूरत लगते ही रहता है। और अब की बार ना ये मखाने वगैरह मेरे जल्दी ख़त्म हो गए, क्योंकि गणपति और ये सब चीज़ें हो गई तो कुछ ना कुछ खीर 2-4 बार मतलब बन गई है। मेरे यहाँ खीर बहुत बनती है बता आपको, और उसके अलावा ये सिवाय बहुत खाते सिवाय, और ये बच्चों सबको ही, मेरे तीनों बच्चों को बहुत पसंद है। थोड़ा सा घी डाल के और मतलब नमक डाल के बना दो तो ये बड़े आराम से खा लेते हैं। और ये नमकीन वही महीने का आपको पता ही है, और अब की बार ये लेके आए हैं थोड़ा सा। वैसे तो पिछली बार लेके आए थे तो मेरा बूंदी का रायता मतलब पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनता, कम बनता है। वैसे ही दही खा लेंगे, तो अब कि मैं ले आई हूँ, देखो कितना बन पाता है कितना क्या होता है। और ये चल रहा था ऑफर है ना, ये ऑफर में आया है, 1 के साथ 1 फ्री, तो नहीं 2 के साथ 2 फ्री ऐसा था।
तो ये देख रहे हैं आप, ये चार पैकेट बिस्किट आ गए हैं, ये देखिए पूरा है ना। और ये पता है ये वाला बिस्किट ये क्यों लाते हैं, पहले क्रीम बिस्किट लाते थे तो शिवाय क्या करता था ना, क्रीम क्रीम उसकी पूरी खा लेता था और बिस्किट दीदी लोग दे देता था तुम खाओ, वरना वो ये लोग भी नहीं खाती थी तो फेंकने में ही आता था पूरा ये मान के चलिए। और इसमें क्या है, इसमें चॉकलेट अंदर से अलग से है नहीं तो ये वाला फेंक नहीं पाएगा, कम से कम ये है खाएगा तो पूरे खा लेगा। और ये आई है मैगी तो कभी कभार बनने के लिए, और इसके साथ ना ये वाला फ्री मिला है। और देखते हैं क्या है, ये नमकीन आगरा की प्रसिद्ध नमकीन, इस पे पता लिखा रहता है आगरा की प्रसिद्ध नमकीन ऐसे करके, इस पे नहीं मतलब बिल पे लिखा रहता है। और मुझे ना सुबह से आरोही ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि मम्मी प्रोजेक्ट बनना है, जब मैंने फ़ोन खोल के देखा इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का तो उसमें इनका प्रोजेक्ट बच्चे डाल चुके थे, काफ़ी बच्चों का हो गया था, तो फिर मैं भी जल्दी जल्दी लगी और मैंने ये आरोही का मतलब प्रोजेक्ट तैयार करवाया। तो ये देखिए आप कितना सुंदर बना, सही पोषण देश रोशन, कितनी मतलब सुंदर लाइनें हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ऐसा होना चाहिए कि जब हम सही पोषण लेंगे तभी हमारा देश रोशन होगा, स्वस्थ होगा, सुरक्षित होंगे सब लोग। तो फिर मैंने केले वगैरह काट लिए हैं उनको इस तरह से, कभी कभी मैं केलों को उबाल के छील लेती हूँ और कभी कभी इस तरह से, तो इनको छोटा छोटा कट करके थोड़ा सा इसमें हल्दी और नमक डाल दिया, अब ये बॉयल हो जाएंगे अच्छे से, फिर उनको मसल के देख लेंगे बस। और ये लौकी तो पड़ी हुई थी, मतलब पड़ी क्या थी, कल हम लाए थे लौकी, और लौकी काफ़ी सारा ले आते हैं हम कभी कभी, तो उसकी खीर वगैरह बना के, वैसे भी लौकी हमें खानी चाहिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बच्चे क्या है ना खाते नहीं है, तो बच्चों को अगर इस तरह से हम बना के देते हैं ना खीर तो बच्चे फिर मेरे आराम से खा लेते हैं, और लौकी भी खा लेते हैं और दूध भी हो जाता है साथ में, क्योंकि बच्चों की डाइट का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अच्छा खाएंगे, खान पान अच्छा होगा तभी जाके वो, ये बस यही है मेन चीज़ कि वो फिर बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो अच्छा रहता है, फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। ये देख रहे हैं आप, सिवाय दीदी के ऊपर घोड़ा बन के दौड़ रहा है और गिरा धड़ाम से, तो इतनी ज़्यादा हम लोगों को हंसी आ गई तो वो हो गया गुस्सा। तो चलिए अब खीर तो हमारी लगभग बन गई है, अब बना लेते हैं सब्जी। तो इसमें सरसों का तेल मैंने डाला है और जीरा डाला है और हरी मिर्च को कट करके, उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, बेसिक मसाले जो होते हैं वही सारे हमने डाल दिए हैं, और इनको केलों को इसी में डाल दिया और थोड़ी देर तक भूनेंगे इसी तरह, हल्का हल्का क्रांची से हो जाएंगे। उसके बाद ये नमक आप देख रहे हैं पूरा ढेले जैसा बन जाता, क्योंकि ये नमक जो है ये सेंधा नमक है तो वो ढेले जैसा ही बन जाता है, उसको तोड़ के ही डालना पड़ता है। और उसके बाद इसमें ये भुना हुआ बेसन रखा है हमारे पास, थोड़ा सा हम ये बेसन छिड़क देंगे इसके ऊपर, जिस तरह अरबी वगैरह की सब्जी बनाते तो उसमें डाल देते हैं भिंडी में, तो इसी तरह से आज मैंने डाला है। तो देखिए बहुत अच्छी सब्जी बनी थी हमारी, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे दही। तो एक बार आप लोग भी इस तरह से बना करके डाल देखिएगा। और ये थोड़ा सा आपने देखा ये है कि मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है क्रश करके, तो सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अभी ये तो ड्यूटी से आए नहीं थे, इनको आते आते मतलब वही 10:30 होना था, फ़ोन से मेरी बात हुई तो मैंने सोचा बच्चों को पहले दे दूं खाना, क्योंकि टाइम से खाना खाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे भूखे भी थे, तो इन लोगों का हो गया और बस मैं खाना खिला ही रही थी कि तब तक ये भी आ गए। तो अच्छा हुआ कि मतलब मुझे बार बार सब चीज़ें रोटी वोटी बार बार मुझे नहीं बनानी पड़ी, एक बार में ही सबका हो गया। उसके बाद खाना ना होने के बाद फिर हमारी चल रही है रात की किचन क्लीनिंग, तो ये फटाफट से मैं गैस वैस पूरा क्लीन कर लूँगी। और क्योंकि क्या है ना, ये रात में ही आप करके डाल दो तो एक तो सुबह के लिए आप बहुत अच्छे से फ्री हो कि आपको कुछ भी करना नहीं है, उठ के सीधे झाड़ू पोछा करके नहाना है, और दूसरी बात ये है कि हम बहुत सारी गंदगी और बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर इस तरह किचन में पूरा मतलब गंदगी रहेगी तो बहुत सारे कॉकरोच वगैरह सब चीज़ें पनपती हैं, आप समझ सकते हैं, सभी को ये चीज़ें पता होती हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ को हम रोज़मर्रा में अपने शामिल कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए आपकी बातों बातों में ही हमारे सारे बर्तन भी धुल गए, हमारी पूरी किचन क्लीनिंग भी हो गई और हमारी आपसे बातें भी हो गई। तो चलिए बातें तो होती रहेंगी, और आप फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो आपको हमारे और भी वीडियो मिलते रहेंगे, और आप इंजॉय करते रहिए। 11 मतलब आ गया घड़ी, आप समझ लीजिए, मुझे बार बार बताना पड़ता, मैं इस घड़ी को ना सही कर लूंगी तो अच्छा रहेगा।
तो चलिए अब विदाई की घड़ी आ गई है, अब हम आपको कहेंगे बाय बाय। और मेरी मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, काम सारा कर रही हूँ बस खाली थोड़ा सा तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर करूँगी और एंड। और हाँ, आपने सब कुछ देख लिया, सब हो गया है, तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगता है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में कल आपसे फिर से। और हाँ, एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि काव्या का मैं पूरा रूटीन दूँ, तो मैं जल्दी एक दो दिन में दूंगी क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ी तैयारी और दुनिया भर का चल रहा है ना पढ़ाई वढ़ाई का, तो अगर मतलब वीडियो पे लाएंगे तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से मैं एक दो दिन में जल्दी आपको दूंगी। तो तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया था इसलिए मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, वो वेट कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।